दोस्तों ये कहानी है सांपों से भरे एक ऐसे आइसलैंड की जहां कदम कदम पर रेंगते हैं जहरीले सांप, जहां जाने के बाद जिंदा वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। हमारे आसपास ऐसी कई जगह मौजूद है जो रोमांच, रहस्य और अजूबों से भरी हुई है। कई ऐसी जगह मौजूद है जहां प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है, तो वहीं कई ऐसी जगह भी है जो जोखिमों से भरी हुई है। क्या आपने कभी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जहां इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है? आज हम आपको एक ऐसी ही जगह दिखाने वाले हैं जहां जाना खतरों से खाली नहीं है। इस जगह पर इतने सांप रहते हैं कि अगर कोई इंसान यहां गलती से चला जाए तो उसके जिंदा वापस आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। दरअसल ये खतरनाक जगह ब्राजील में है, जिसे स्नेक आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये आइसलैंड दूर से देखने में काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइसलैंड पर पाए जाते हैं। यह यूक्रेन के स्नेक आइसलैंड से अलग और बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ हजारों जहरीले सांप रहते हैं जो इस जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाते हैं। यहाँ पर वाइपर प्रजाति के भी सांप रहते हैं। इन सांपों के पास उड़ने की भी क्षमता होती है। इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है ये इंसान के मांस को भी गला देता है। इस द्वीप पर सिर्फ एक इमारत है जो एक ऑटोमेटेड लाइट हाउस है, जिसे बनाने के पीछे एक खास कारण था। इस आइसलैंड की तरफ आने वाले जहाजों को यहाँ रुकने से बचाने के लिए इस लाइट हाउस को डिजाइन किया गया था, ताकि कोई जहाज गलती से इस आइसलैंड की तरफ ना आए और जहाज पर रहने वाले लोगों की जान को बचाया जा सके। स्थानीय लोग इस द्वीप के पास नहीं जाते क्योंकि इसे मौत का द्वीप कहा जाता है। इस आइसलैंड पर अलग अलग प्रजाति के लाखों सांप रहते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है।